नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय जुन्नर जिला पुणे। मैं आपका मेरी ऑनलाइन ताशिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के रिवाइज पैटर्न 2013 के अनुसार तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 इस विषय के प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 रिवाइज पैटर्न 2013 इस विषय के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के लिए एक ही विषय कोड है और वह विषय कोड है 3097। इस विषय की पूरे वर्ष के अंतर्गत केवल 2 परीक्षाएं होंगी। प्रथम परीक्षा प्रथम सत्र की टर्म एंड कहलाएगी। यह परीक्षा 20 अंकों की होगी। इस परीक्षा का आयोजन महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। 80 अंकों की परीक्षा वार्षिक परीक्षा कही जाएगी और इसका आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 100 अंकों की 2 परीक्षाएं होंगी और दोनों ही परीक्षाओं में छात्रों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम। हिंदी सामान्य 3 रिवाइज पैटर्न 2013 के प्रथम सत्र पाठ्यक्रम के लिए एक ही पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है, जिसका नाम है सृजन संदर्भ और मैं आत्मकथा अंश। इस पाठ्यपुस्तक का संपादन डॉक्टर पीवी कोटमे और डॉक्टर वीएन भालेराव जी ने किया है। यह पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर से प्रकाशित हो चुकी है। इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत विभिन्न सारे हिंदी के महान लेखकों की आत्मकथाओं के अंश दिए गए हैं। इन आत्मकथाओं के अंशों को अब हम देखते हैं। पहले आत्मकथा का अंश है मेरा जीवन, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। दूसरी आत्मकथा का अंश है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तीसरी आत्मकथा का अंश है टुकड़े टुकड़े दास्तान और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर जी। चौथी आत्मकथा का अंश है जो कहा नहीं गया और इसकी लेखिका है कुसुम अंसल जी। पांचवी शब्द काया, इसकी लेखिका सुनीता जैन। छठी गुमशुदा दोस्त की तलाश, इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा। सातवीं अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिष राय जी की आत्मकथा का अंश है। आठवीं संतप्त नाम की आत्मकथा का अंश है और इसके लेखक हैं सूरजपाल चौहान। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 आत्मकथा के अंशों को प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 विषयों को रखा गया है। पहला है पारिभाषिक शब्दावली, जो आपके पाठ्यक्रम में 50 पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, उस पारिभाषिक शब्दावली को आप कंठस्थ कीजिए। दूसरा विषय है कार्यक्रम संयोजन कौशल का परिचय, इसके अंतर्गत कार्यक्रम संयोजन की संकल्पनाओं स्वरूप उद्देश्य कार्यक्रम की प्रस्तावना परिचय स्वागत सम्मान सूत्र संचालन अभिमत आभार ज्ञापन कार्यक्रम पत्रिका आदि का परिचय आपको मेरी आगे की ऑनलाइन ताशिकाओं में दिया जाएगा। तीसरा विषय है अनुवाद लेखन, मराठी और अंग्रेजी परिच्छेदों का हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से करना है, यह भी आपको मेरी ही ऑनलाइन ताशिकाओं में बताया जाएगा। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्र का स्वरूप। हिंदी सामान्य 3 प्रथम सत्र के प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा और इसके लिए पूर्णांक होंगे 60। सूचनाएं होंगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और दाहिने ओर लिखे अंक प्रश्नों के पूर्णांक होंगे। प्रश्न पहला दीर्घोत्तरी प्रश्नों का होगा। कुल मिलाकर 3 दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इसके लिए अंक हैं 20। प्रश्न दूसरा लघुत्तरी प्रश्नों का होगा। कुल मिलाकर 4 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उसके लिए अंक होंगे 10। प्रश्न तीसरा ससंदर्भ व्याख्या का होगा। कुल मिलाकर 4 अवतरण ससंदर्भ व्याख्या के लिए दिए जाएंगे, उनमें से 2 अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या करनी है और उसके लिए अंक होंगे 10। प्रश्न चौथा उपप्रश्न उसमें होगा पारिभाषिक शब्दावली का। कुल मिलाकर 12
अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द दिए जाएंगे, उनमें से 10 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी विकल्पी पर्याय लिखने हैं, उसके लिए अंक होंगे 10। उसके पश्चात आ उपप्रश्न, कार्यक्रम संयोजन, कौशल का परिचय। कार्यक्रम संयोजन के लिए कुल मिलाकर 2 विषय दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर कार्यक्रम की पत्रिका अथवा जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसको तैयार करना है, उसके लिए अंक होंगे 5। उपप्रश्न ही अनुवाद लेखन होगा, आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत मराठी और अंग्रेजी परिच्छेद दिए जाएंगे, उन दोनों परिच्छेदों में से किसी एक परिच्छेद का आपको हिंदी में अनुवाद करना है और इसके लिए अंक होंगे 5। इस प्रकार से कुल मिलाकर 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 60 में से जितने अंक आपको प्राप्त होंगे वही अंक 20 में से तब्दील करके आपको विश्वविद्यालय के लिए दिए जाएंगे। धन्यवाद।